हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम आए हुए दशहरा का मेला घूमने के लिए, जो कि हरमू में लगा था। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पंडाल था, बहुत ही मतलब रांची का सबसे बेस्ट पंडाल यही था। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग गुजरात श्री नारायण मंदिर का बना हुआ था। और ये रांची का सबसे महंगा पंडाल था, जो कि 80 लाख के आसपास का था, 80 लाख के आसपास। यहाँ पे हम और बेबी के पापा गए थे, मेरी बिटिया रानी गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी अपने ट्रिप को, मीन्स दशहरा का मेला ट्रिप को। काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्जॉय की, मज़ा आया हम सबको घूम के उसके साथ। तो हम तो रोज़ जाते थे दिया दिखाने के लिए, बट बेबी उस दिन भगवान का पट खुल गया था 5वां दिन, तो हम तीनों गए कि बेबी को भी दर्शन करवा देते, उस दिन भीड़ कम होगा। इस वजह से हम तीनों गए, दर्शन वर्शन कर लिए अच्छे से भगवान का। और दशहरा के टाइम जो रांची का नज़ारा रहता है, सब तरफ रांची पूरा जगमगा उठता है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है दशहरा में। रांची सबसे टॉप लिस्ट में तो कलकत्ता है, उसके बाद फिर रांची है सेकेंड में। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हमें दशहरा घूमने में। लाइट आ रहा है तो गाइज़, यहाँ पे हम हरमू पंडाल घूमने के बाद दूसरे पंडाल की ओर बढ़ गए हैं। तो ये है अड़गोड़ा का पंडाल, ये भी सुंदर ही था, मतलब अच्छा ही बनाया था। तो यहाँ पे फिर थोड़ा बहुत घूमे फिरे, खाए पिए, उसके बाद फिर हम वापस घर चले गए। वीडियो को पूरा देखें और इन्जॉय करें।